Good morning students. Today we are going to learn about some topic from your book. Today we are going to learn most important topic of NTO chapter which is related to accountancy subject. आज हम accounting class में NTO chapter का सबसे most important topic जो आपके practical जो आपका question exam में देखने को मिलता है subscription के बारे में पढ़ेंगे कि subscription है क्या. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा basic पर आप बताना चाहूँगी कि NPO organization में NPO का मतलब क्या है. वो organization जिसका main profit जो है ना वो लोग जो main objective है वो लोगों की सेवाएं करना है, लोगों को सर्विस देना, ठीक है, rather than profit. जैसे नहीं मैं चिपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो मेन एम है सोसाइटी को सर्व करना. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट आर द एग्जांपल ऑफ एनपीओ. तो बेटा आपको भी पता है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए. अब इनका मेन मोटिव सर्विस देना है, तो इन सर्विस देने के लिए आपको फाइनेंस तो चाहिए ना. अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो बिजनेस को रन नहीं कर सकते. फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, तो उसके लिए तो इस एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आएगा. तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकम है किसी भी एनपीओ की वो है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन है क्या? सब्सक्रिप्शन जब मान लो आपने कोई एक एनपीओ ओपन किया, अपना एनपीओ कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई लाइब्रेरी अपने ओपन करी, तो उसमें जो कुछ एक मेंबर्स होंगे वो आपके यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे और वो हर साल कुछ ना कुछ आपको जो अमाउंट पे करेंगे उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन. यानी कि उसने आपके यहाँ पर अपने आप को एनरोल किया है कि मैं आपकी संस्था से जुड़ रहा हूँ और हर साल इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पे करूंगा सर. तो सब्सक्रिप्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एनपीओ. एंड जितने भी एनपीओ है हमारे वहां उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन से उनको क्या मिलती है? इनकम. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्स. अभी रेवेन्यू रिसीप्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीप्स वो रिसीप्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बिजनेस को हर साल मिले, वो हमारे पास इनकम होती है रेवेन्यू रिसीप्स. तो सबसे पहले इस एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के थ्री जो अकाउंट है, इससे पहले जो मैं अकाउंटिंग पढ़ के बताया गया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे पे करते थे. बट इस एनपीओ का जो मेन अकाउंट्स है वो आपको ही पता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट. और ये हर साल एंड में अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है. बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश अकाउंट. यानी कि कैश जो आपने अकाउंट पूरे साल प्रिपेयर किया उसकी एक समरी है कि इतना कैश हमारे पास आया और इतना कैश हमारे यहाँ से गया. जो बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो तो बनता है हमारा कैश बेसिस पे, और जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनता है हमारा एक्रूवल बेसिस पे. तो हमको पेपर में क्या मिलेगा? हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा और इसी बेस पर हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सर व्हाट आर द डिफरेंस, मेन डिफरेंस प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो किन बातों को ध्यान रखना है? बेटा इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको ना टोटल बैलेंस बताएगा कि मुझे 5 लाख सब्सक्रिप्शन मिला, बट ये आपको ये शो नहीं करेगा कि कौन से साल का मिला है. इसमें ना सारे साल की इनकम इंक्लूड करते हैं. मान लो कोई कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो हमें सब्सक्रिप्शन टाइम पर नहीं पे करेंगे और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में पे कर देंगे. तो क्योंकि कैश बेस पे बनता है तो इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन हम लिखते हैं कितना हमको मिला है, चाहे वो रिमेनिंग बैलेंस है चाहे हमें फ्यूचर के लिए मिला. बट हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो बनाना है एक्रूवल बेसिस पे, और एक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि 12 मंथ्स की इनकम और 12 मंथ के ही हमें एक्सपेंडिचर लेने होते हैं. तो इसलिए हमें जब हम सब्सक्रिप्शन को शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. 4 एडजस्टमेंट है जो आपको सब्सक्रिप्शन का जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इन 4 एडजस्टमेंट को अपने माइंड में आपने लर्न करना है. वो कौन कौन सी है? लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले सर सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पता है आपको मिल रहा है. इनकम एज इन ऑल नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस. तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने कहा शो करा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में. बेटा इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट में खर्चे आते हैं और क्रेडिट में जाती है, हमारे पास इनकम आती है। चलिए अब हम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसीट है, इसको हम कहां शो करते हैं, इट विल बी शोन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम टोटल बैलेंस जो आपको गिवन मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो उससे पहले आपको चार एडजस्टमेंट लर्न करनी है। आपको दो बैलेंस मिलेगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग और बिगिनिंग। ये इसका मतलब क्या है बेटा, मैं इससे पहले आपने 11th में भी टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक्रूड इनकम है क्या बेटा? जो ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली हो बट हमें मिली ना हो, उसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। और जो इनकम रिसीव्ड एडवांस का मतलब है कि वो इनकम करंट ईयर में हमें आने वाले साल के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड एडवांस। बट मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस बेस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, इसलिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि अगले साल का एडवांस मिल जाए तो इस साल की इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन यही है क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनता है, 12 मंथ्स की इनकम और 12 मंथ्स के खर्चे ले रहे हैं इसलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब आ रही है सबसे पहले से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब दे जो आपको ना मिला हो, सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम, इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एंडिंग का बैलेंस आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट। इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है और एंडिंग है बेटा, इनकम एडवांस में मिलती है बट इस साल की वो इनकम नहीं है, इसलिए आपको पे करनी पड़ेगी। जो चीज आपको पे करनी पड़ती है बेटा वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट है और सब्सक्रिप्शन एडवांस हमारी क्या है, वो बिगिनिंग है। इसके पीछे कंसेप्ट ये है अक्रूअल बेसिस, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक्रूड इनकम का पार्ट बन गया और ये हमारी कौन सी इनकम का पार्ट बन गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बता दे सब्सक्रिप्शन जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का बैलेंस माइनस होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग का बैलेंस प्लस होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग का माइनस और बिगिनिंग का क्या करते हैं प्लस। इसके पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करते हैं कि हम प्लस माइनस क्यों करें। सबसे पहले हमें 5 लाख आपको क्वेश्चन ऐसे पेपर में मिलेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको 5 लाख बैलेंस यहाँ पर शो करना है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, सब्सक्रिप्शन आउट, ये आपको बैलेंस दिए हुए हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होता है सर कौन सा ओपनिंग बैलेंस है कौन सा एंडिंग बैलेंस है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लासरूम में कि सबसे पहले सर हम अपना करंट ईयर लिखते हैं, हमारा करंट ईयर क्या है, कौन सी एंडिंग पे है, 31 मार्च 2022, तो आपको पेपर में लिखना है 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022। इससे पहले वाली डेट आप लिख दोगे 31 मार्च 2021। बेटा अगर इस डेट पे आपको बैलेंस है, whether it is outstanding, whether it is advance, बेटा वो एंडिंग का बैलेंस होगा, और इस डेट पे और इस डेट पे आपको बैलेंस गिवन है तो दोनों बैलेंस आपके क्या माने जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। चलिए पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का जो बैलेंस है वो माइनस होगा, तो हम कितना दे रहे थे 5000 हमने टोटल में से माइनस कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 है, इसको हम एंडिंग का बैलेंस दे देते हैं और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग का बैलेंस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10,000, जो माइनस करना था बेटा मैंने वो ब्रैकेट में मैंने शो किया। लेट अस स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। अब बिगिनिंग का बैलेंस है और बिगिनिंग का एडवांस क्या होगा, अपना प्लस होगा, तो बिगिनिंग का एडवांस मैंने प्लस किया हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022 का मतलब बेटा एंडिंग का बैलेंस और सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग का बैलेंस हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,03,000 रुपीस। ये था आपको क्वेश्चन करना था, ये पहले आपको रूल तैयार करने पड़ेंगे, उसके बाद आपने आपको स्टेटमेंट मिलेगी, स्टेटमेंट में बैलेंस गिवन होंगे तो सबसे पहले आपको सर हम करंट ईयर लिखेंगे, उसकी पिछले साल की जो एंडिंग की डेट है तो समय में ये पता चल जाएगा कौन सा ओपनिंग बैलेंस है कौन सा बिगनिंग का बैलेंस है। तो अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने प्लस माइनस क्यों किया है, प्लस माइनस मैंने क्यों किया है। देखिए बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डिग्री, हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा वो एक्रुअल बेसिस पे बनता है। ये कह रहा है पिछले साल का बिगनिंग का बैलेंस है आउटस्टैंडिंग, बेटा ये पिछले साल की इनकम में ऐड हो चुका है बट वो मिल इस साल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेस पे बनता है, उसको क्या मतलब जब आज से हमें 10 साल की इनकम मिल जाए हमने अपने अकाउंट में शो कर दी बट ये इस साल की इनकम नहीं है। देखो हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 5,000 रुपीस हमें मिले, बेटा मैंने पिछले साल की इनकम में जोड़कर दिखा दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्यों क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो एक्रुअल बेसिस पे बनता है, उसका मतलब है कि हमें 1 रुपया भी ना मिले हम अपने इनकम में प्लस करके दिखा देंगे, इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का यहाँ से माइनस किया क्योंकि ये पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एड हो चुका है इसलिए बिगनिंग का माइनस हुआ। ये आउटस्टैंडिंग एंडिंग का बैलेंस है, ये तो इसी साल का है और देखो हमें मिला नहीं है ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर भी हम अपनी इनकम में प्लस कर रहे हैं 10,000 रुपीस, इसके पीछे मैं फिर से रिपीट करूं रीजन आपका एक्रुअल बेसिस ही है। उसके बाद एडवांस बिगनिंग का, बेटा जो पिछले साल आपको एडवांस मिला है पिछले साल तो इस साल के लिए वो इनकम हो गई, पिछले साल की एंडिंग में मिला तो इस साल के लिए वो, इसलिए मैंने एडवांस बिगनिंग का किया, क्या किया यहाँ पर प्लस किया। अब अपने पास एडवांस एंडिंग यानि आप ईयर के एंड में खड़े आपको एडवांस मिला, एडवांस का मतलब अगले साल के लिए, तो ये अगले साल के लिए इनकम है ना, इस साल की इनकम तो है नहीं इसलिए मैंने एडवांस एंडिंग का जो है बैलेंस माइनस किया। बेटा ये था आपका सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट मेथड जिसमें हम क्या करते हैं हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल बैलेंस दिया होता है और ये फोर रूल आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस एंडिंग प्लस एडवांस बिगनिंग प्लस एंडिंग माइनस ये फोर रूल्स हम लर्न करेंगे। फोर रूल्स जो आपको दे रहे हैं स्टेटमेंट में अमाउंट कितना प्लस और माइनस करना आपका सब्सक्रिप्शन का जो फर्स्ट मेथड है वो क्लियर हो गया। यहाँ से आपको पेपर में क्या मिलेगा, पेपर में आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन पेमेंट अकाउंट और ये फोर रूल्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको क्या करना है ऐड और माइनस करना है। मैंने आपको पीछे लॉजिक बता दिया कि ये तो बेटा हमारा कैश बेसिस पे बनता है और ये हमारा अकाउंट बनता है एक्रुअल बेसिस पे, इस वजह से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये आज की वीडियो में सब्सक्रिप्शन के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन और सेकंड थर्ड फोर्थ मेथड को डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ओके बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।